चार कहानियों या चार तथ्य आपके सामने पेश करके जो अपने में हिंदुस्तान के मौजूदा हालात के बारे में कहानी हमको बताता है। सबसे पहले तूतीकुड़ी में जो नरसंहार हुआ और जिस तरह से हमारे प्रधान सेवक अलग अलग चीजों में मसरूफ हैं, सोशल मीडिया का बहुत सारा जिक्र हुआ है, फिजिकल फिटनेस पे वो ट्वीट लगाते हैं, योग आसन पे जो है ट्वीट लगाने का वक्त मिला उनको, नेदरलैंड्स के प्रधानमंत्री आए हुए हैं उनको स्वीकार किया, अच्छी बात है। लेकिन दो लफ्ज बोलने के लिए उनके पास वक्त नहीं है तूतीकुड़ी में जहां बेगुनाह लोगों का पुलिस के द्वारा फायरिंग में कत्ल हुए। सेकेंड फैक्ट, पता नहीं आपने कल ये खबर देखी है ना देखी हो, लेकिन यूनाइटेड नेशंस से एक स्टेटमेंट जारी किया गया कि हिंदुस्तान में एक पत्रकार है राजा आयूब, जिनको जिनपे अलग अलग किस्म की धमकियां दी जा रही हैं, जानलेवा खतरे पे जानलेवा खतरा उनको दिया जा रहा है और यूएन से यूएन के हवाले से भारत सरकार को एडवाइस से सुझाव दिया गया कि आप इनको महफूज रखने के लिए कुछ ठोस कदम उठाएं। मैं एक्टिव जर्नलिज्म में तकरीबन 20-25 साल रहा हूं, आज तक मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान के साथ कभी भी ऐसी नसीहत सुनाने का मौका मिला होगा पास में। और जिस तरह से ये सो कॉल्ड भक्त ट्रोलर्स हिंदुस्तान को बदनाम कर रहे हैं, ये भी आज की हकीकत का एक हिस्सा है और आज के हिंदुस्तान मौजूदा हालात के बारे में हमको एक कहानी बता रहा है। तीसरी बात, कर्नाटका में जो हुआ, जिस तरह से जिस पार्टी के पास अक्सरियत था ही नहीं, मेजॉरिटी थी ही नहीं, उनको आपने बुला लिया ये जानते हुए भी कि सिर्फ और सिर्फ धोखाधड़ी खरीद फरोख्त से ही ये लोग सरकार बना पाएंगे, इसके बावजूद गवर्नर साहब ने सरकार येडियुरप्पा का वहां पे बुलाया, सरकार हार गई, गवर्नर साहब ना ही इस्तीफा दे रहे ना ही कोई मांग की जा रही कि वो इस्तीफा दे। चौथा, कोबरा पोस्ट नाम का एक वेबसाइट है जिन्होंने पिछले 1.5 साल से एक इन्वेस्टिगेशन का काम किया है, अलग अलग जो हिंदुस्तान के जो मीडिया इदारे हैं वहां जाके एक स्टिंग ऑपरेशन, उनके एक पत्रकार ने एक आचार्य अटल का रूप धारण करके वहां पे वो गए और इन मीडिया इदारों के जो मैनेजर्स हैं मालिक हैं उनसे एक प्रपोजल रखा कि आने वाले चुनाव में हम गजब का हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, हिंदुत्व का प्रचार करना चाहते हैं ताकि 2019 के चुनाव में बीजेपी जीते, हमारे पास बेशुमार पैसा है, कैश है, क्या आप इस कैश के बदले हमको झूठी खबरों देने के लिए तैयार होंगे कि नहीं। और आप हैरान होंगे या शायद आप हैरान नहीं होंगे कि तमाम जिन मीडिया इदारों के पास ये पत्रकार गए वहां पे उनको इस प्रस्ताव का अप्रूवल मिला और ये तमाम चीजें जो है रिकॉर्ड की गई हैं। लेकिन कल हाई कोर्ट ने इस पे दैनिक भास्कर ग्रुप के कहने पे इस पे स्टे लगा दिया, आगे जाके स्टे वैकेट हुआ कि नहीं, लेकिन ये भी एक बहुत ही खतरनाक चित्र हमको दिखाता है हिंदुस्तान में आज क्या है। मैं इन चार कहानियों को इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि वैसे फहरिस्त बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन मीडिया का पतन, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो बहस और डिस्कशन करने का जो एक सदियों से हिंदुस्तान में एक सिस्टम रहा है जिस तरह से उसका नष्ट किया गया है ट्रोलिंग और अलग अलग लोगों को टारगेट करके, और मजदूरों का नरसंहार और शासकों का जो है इंडिफरेंस, उदासीनता कह लीजिए या उनका एक्टिव कलूजन कह लीजिए, ये चार जो चीजें हैं ये प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार या एनडीए सरकार सिर्फ और सिर्फ इनको हम जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। लंबे अरसे से हिंदुस्तान के जो सिस्टम में जो पतन हो रहा है, जो एक डिटेरियोरेशन हो रहा है, ये उस चीज का हिस्सा है। इसलिए मैं, मुझसे पहले शायद राजदीप और लोगों ने भी कहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक शख्स एक आदमी का सवाल नहीं, सिस्टम की हम बात कर रहे हैं और इस सिस्टम की हिस्ट्री है, इतिहास है, उस
इतिहास को समझना बहुत जरूरी है और उस इतिहास की का जो इसमें किरदार है, अलग अलग जो पार्टीज का जो रोल है, इसको समझना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं इस बात को स्पष्ट करना चाह रहा हूं। लेकिन एक पांचवा कहानी आपको बताना चाह रहा हूं। मैं हाल ही में कहीं गया था बाहर, तो एयरपोर्ट से टैक्सी हमने पकड़ा और ये मुझे लगता है कि ये एक नई बात हिंदुस्तान एक तरह से, और आज एक तरह से एक नया चैलेंज हमको पेश करता है। तो टैक्सी वाले से हमारी बात हो रही थी, बहुत तेजी से वो गाड़ी चला रहा था, तो हमने कहा भाई इतना परेशान मत हो, थोड़े कायदे से चलाओ। तो वो बोलने लगे कि नहीं, इन दिनों काम की बड़ी समस्या है, मार्केट एकदम डाउन है, उबर ओला वाले हमको सही से पैसा नहीं देते। तो वैसे मैंने हंसी मजाक में कहा भाई मोदी जी तो आपको कह चुके कि पकौड़े बनाओ, पकौड़े बेचो, तो ये काम क्यों कर रहे हो। हमको लगा कि एक रिस्पॉन्स एक किस्म का मिलेगा, लेकिन रिस्पॉन्स हमको जो मिला मैं हैरान हो गया। उसने कहा भाई मोदी जी के बारे में जो भी कहिए, लेकिन कल अगर वो हट जाए तो मुसलमानों का कब्जा हिंदुस्तान पे हो जाएगा। हमने कहा भाई कहां से कहां तुमने बात को खींच लिया। तो फिर हम लोग बहस करने लगे, एक से एक जो है एक नकली वीडियो जो है उसको दिखाया गया, उस नकली वीडियो के बारे में बात कर रहा था। उसको जब हमने रिफ्यूट किया तो फिर वो गुड़गांव में नमाज को उतर गया। उसको जब हमने रिफ्यूट किया तो फिर गाय के काटने की बात शुरू हो गई, फिर लव जिहाद की बात शुरू हो गई, फिर चार बीवियों की बात शुरू हो गई, फिर ट्रिपल तलाक की बात हो गई। और मुझे लगा कि भाई एक पॉइंट हम आधे घंटे के सफर में हम बहस कर रहे हैं, थोड़ा उनको तथ्य दे रहे हैं, वो कन्विंस भी हो जाता है, लेकिन जैसे एक इशू पे कन्विंस हो जाता है दूसरा इशू जो है वो पकड़ लेता है, क्योंकि मुसलसल एक जहर जो है लोगों के दिमाग में भरा जा रहा है। सोशल मीडिया एक अच्छा माध्यम है जिसको संघ परिवार ने पकड़ लिया है। और चुनाव की हम बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये 10-12% की लड़ाई है। मोदी साहब 2014 के चुनाव में बीजेपी का जो ऐतिहासिक वोट है उसको 20% से लाके 31-32% तक वो पहुंचाने में सफल रहे। कौन थे वो 12% लोग? वो ऐसे लोग थे जिन्होंने जो उनकी अच्छे दिन के सपने के झांसे में पड़ गए। साढ़े चार साल के बाद अब ये मोदी साहब अच्छी तरह जानते, शायद वो पहले दिन से ही इस बात को अच्छी तरह समझते थे कि कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा ताकि लोगों को दोबारा उस 12% या वो 12% छोड़िए किसी दूसरे 12% को हम जोड़ अपने आप इस बीजेपी के साथ जोड़ पाए। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से जो एक टैक्टिक अपना लिया गया है वो ये कि कम्युनलाइज मुसलमानों को, अलग अलग राष्ट्रीयवाद, इन तमाम चीजों को किसी न किसी फजूल इशू रेस कर करके आप ये जहर घोलते जाइए, ताकि 2019 के चुनाव के वक्त लोग उन वादों को याद नहीं करेंगे और इन तमाम चीजों में उलझे रहेंगे। जैसे हमारे टैक्सी वाले चलाने वाले साथी ने कहा कि भाई अगर मोदी जी हट जाए तो मुसलमानों का कब्जा देश में हो जाए। अब रही बात कि इस स्ट्रेटेजी के खिलाफ लड़े कैसे। गुड़गांव में जो सवादीबाजी कर रही है या और भी जो अलग अलग जो कोशिशें की जा रही है उनको मुझे लगता है कि करना तो जरूरी है, क्योंकि जहां पे आग भड़काने की कोशिश की जा रही है उस आग को रोकने के लिए जो सचेत शहरी हैं उनका फर्ज बनता है कि वो उस चीज से निपटे, उस खतरे से मोल लें और सिचुएशन को बचा लें। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे मुझे लगता है कि बीजेपी ये चाहता है कि हम इन तमाम चीजों में उलझे रहें और बहस जो है ट्रिपल तलाक और नमाज और काउ स्लॉटर और लिंचिंग इन तमाम चीजों से ज्यादा दूर न भटके, बहस इन्हीं चीजों तक सीमित रहे और जो बुनियादी मसले हैं, और ट्यूटीकॉरन एक मिसाल है उसका, बस्तर या झारखंड में जिस तरह से आदिवासियों को अपने जमीन से वंचित किया जा रहा है वो एक बुनियादी मसला है। किसानों को जिस तरह से कर्ज के जंजीरों से बांधा जा रहा है वो बुनियादी मसला है। औरतों के साथ जिस तरह से जुल्म हो रहा है, नौजवानों के साथ जो भविष्य का जो सपना है वो छीना जा रहा है, इन तमाम चीजों पे मुझे लगता है कि, और ये यहां पे अब मैं मीडिया के हवाले से अपनी जिम्मेदारी की बात कर रहा हूं, कि जो कन्हैया ने कहा कि कंटेंट कौन देगा, कंटेंट कौन तैयार करेगा, मुझे लगता है कि वो जिम्मेदारी कहीं ना कहीं आप सब लोगों की है, हमारी भी जिम्मेदारी है।
और इकोनॉमी में जो हकीकत है, फार्मर्स की जो हकीकत है, मजदूरों के साथ जो जुल्म हो रहा है, औरतों पे जो अत्याचार हो रहे हैं, मुझे लगता है कि एक फैक्ट बेस्ड कंटिन्यूसली इस पे कवरेज होनी चाहिए, मीडिया में डिबेट्स इस चीजों पे होनी चाहिए, बजाय इसके कि पादरी ने किस पादरी ने कौन क्या कहा, किस मौलवी ने क्या कहा, किस लंबे दाढ़ी वाले शख्स ने कौन सी नेगेटिव बात कही, बजाय इसके ये मीडिया वाले बड़े मीडिया हाउस नहीं चाहते। और कोबरा पोस्ट अपने स्टिंग ऑपरेशन में इसलिए सफल हुआ क्योंकि लंबे अरसे से मीडिया के जो मालिक हैं वो असली खबर से हट चुके हैं, लोगों के से जुड़े हुए जो बुनियादी मसले हैं उनका कवरेज करना जो है लंबे अरसे से बंद हो चुका है, और जो एक मुनाफे कमाने वाली एजेंडा है उसको आगे बढ़ाने का काम मीडिया, बिग मीडिया जो है कर रहा है। सवाल होता है कि एक इंडिविजुअल जर्नलिस्ट, एक इंडिविजुअल एडिटर की जिम्मेदारी क्या है ऐसे सिचुएशन में। मुझे लगता है कि बहुत सारे सुझाव आ चुके हैं, राजदीप कन्हैया, बहुत लोगों ने, जगपति जी ने सुझाव दिए हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ एक बात आपके सामने रखना चाहूंगा कि बिल्कुल अलायंस होनी चाहिए, अलग अलग इश्यूज पे बहस होनी चाहिए, लेकिन लड़ाई मुझे लगता है कि ये सबसे पहले और सबसे अहम जो जिसका हिस्सा है वो ये कि इंडिविजुअल लेवल पे आपको लड़ना बहुत जरूरी है। आप किसी भी इदारे में हो, किसी भी संस्था में हो, आपकी चाहे जो भी जिम्मेदारी हो, जब आप पे दबाव डाला जाएगा, अगर आप जर्नलिस्ट हैं कि भाई आप गलत खबर छापिए या सही खबर को दबा दीजिए, हो सकता है कि जिस तरह से उस मीडिया हाउस का जो स्ट्रक्चर है, आपका संपादक आप पे दबाव डाल रहा है, आपको अपनी नौकरी बचाने, आप नौकरी बचाने के लिए आप मजबूर भी हैं, लेकिन उस लड़ाई को आसान मत होने दीजिए। आप पे दबाव पड़ रहा है तो आसानी से आप, मतलब जब तक आप लड़ सकते हो, जब तक आप अपने पोजीशन पे टिके रह सकते हो, जब तक as long as you can hold your ground, it's important to keep fighting wherever you are, taking a stand and make it as difficult as it is as you can for whoever is trying to, if you're in the police, if you're in the bureaucracy, अगर आप जुडिशरी में है, अगर आप पत्रकार में है, जब आपको संविधान से, जब आपको सच्चाई के रास्ते से दूर जाने का आदेश दिया जाता है तो आप उस आदेश का पालन मत कीजिए। और अगर आप एक तरह से अपने आप को मजबूर पाते हैं कि भाई पालन तो करना ही पड़ेगा, कम से कम आसानी से जो है जो आप पे दबाव डाल रहे हैं उसको जीत हासिल मत होने दीजिए। लड़ाई लड़िए अपने इंडिविजुअल पोजीशन पे, और मुझे लगता है कि वो लड़ाई वहां से शुरू होकर फिर एक लंबा डिस्टेंस तय कर सकता है। लेकिन अगर हम अपने ही इंस्टीट्यूशंस में, अपने ही लेवल पे अगर हम हार मान लें, मजबूर होके फेक न्यूज चला दें, मजबूर होके जो है हिंदू मुस्लिम फसाद करा दें, मजबूर होके जो बस चला रहा है उसको गिरफ्तार न करें, मजबूर होके किसी भी सियासतदान के दबाव में आके कोई गलत काम करें, तो मुझे लगता है कि लड़ाई एक और बड़े पैमाने पे लड़ना और वहां पे जीत हासिल करना और भी मुश्किल बात होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ऑर्गेनाइजर्स को थैंक यू देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे